आज एक प्रेमी ने पूछा कि हम एकादशी करते हैं, हम अपने गोपाल जी को एकादशी कराएं कि ना कराएं। एक माता जी ने पूछा, तो हमने पूछा कि गोपाल जी आपकी कितनी उम्र के हैं? तो शायद 6-7 वर्ष का बताया, कितना 5-6 वर्ष का बताया, जो भी हो 5 वर्ष से जिनकी कम आयु है और 90 वर्ष से जिनकी ऊपर आयु है उनके लिए एकादशी व्रत का बंधन नहीं है। शास्त्र के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु अथवा 90 वर्ष से अधिक आयु और कोई अति रोगी है एक सज्जन मलुकपीठ की बात है, शरणागति संस्कार उनका हो रहा था, होते होते वो उलट गए। तो हमने सोचा कि शायद इनको कोई भावावेश आ गया होगा, लेकिन वो बात ये थी कि उनका शुगर इतना कम हो गया उससे वो बेहोश हो गए। तो उनके निकटवर्ती लोगों ने, शायद उनकी गृहिणी ने ही तुरंत कुछ चीनी जैसा पाउडर कुछ भी खिलाया पिलाया, उससे वो चैतन्य हुए। तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत भारी शुगर है और हमको दिन में थोड़ी थोड़ी बार खाना भी पड़ता है, दवाई भी लेनी पड़ती है। आज 11-12 बज गया, सवेरे से पानी भी नहीं पिया हमने, दवाई भी नहीं ली और इसीलिए ऐसा हो गया। अब उनको हम कठोर व्रत का बंधन बता दें तो वो तो उनकी हालत ख़राब, आलू वो नहीं खा सकते और कोई चीज़ मीठा वो नहीं खा सकते। तो भैया जैसा जितना निर्वाह कर सको उतना करो। अति वृद्ध, अति रोगी, अति बालक, आतुर, इनके लिए बंधन नहीं है। दूसरी बात यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह बात लिखी है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। ये बात 2-3 बार आई है वाल्मीकि रामायण। क्या लिखा है? यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। यदन्नः पुरुषो भवति, मनुष्य जिस प्रकार का आहार करने वाला होता है वह अपने देवता को भी उसी प्रकार के आहार का समर्पण करता है। राम जी चित्रकूट धाम में अपने पिता के निमित्त इंगुदी नामक जंगली फल के चूर्ण से बने हुए पिंड बनाकर अपने पिता दशरथ जी को दे रहे हैं। उनको देख करके माताएं रोने लगी हैं, हे चक्रवर्ती महाराज, ये जंगल के कसैले कड़ुए फल आपने कभी नहीं खाए होंगे, पर प्राचीन मर्यादा है, श्रुति है, ये वैदिक श्रुति है। क्या? बोले, पुरुष जिस प्रकार का आहार ग्रहण करता है वह अपने देवता को भी उसी प्रकार के आहार को निवेदित करता है। वयम यदन्नाह पितरस्तदन्नाह, ये भी पंक्ति है, वयम यदन्नाह पितरस्तदन्ना अथवा देवास्तदन्ना। जैसे हम मनुष्य, बहुत ध्यान से सुने, ये बड़े महत्व की बात है, जैसे हम मनुष्य वस्तु के पदार्थ के स्थूल अंश को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से देवता पदार्थ के स्थूल अंश को ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि स्थूल अंश ग्रहण करेंगे तो उनको मलमूत्र होगा और देवताओं के शरीर में मलमूत्र होता ही नहीं, पसीना नहीं होता, उनकी पलक नहीं गिरती, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनका पैर धरती से स्पृष्ट नहीं होता, अधर पर ही रहते हैं वो देवता, और उनके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, उनको निद्रा भी नहीं आती, उनको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, उनको श्रम भी नहीं होता है।
दिव्य देवता का शरीर, पुण्यमय शरीर भोग के लिए प्राप्त है। तो देवता जब स्थूल अंश को ग्रहण ही नहीं करते हैं तो फिर देवी देवता के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या कर देना, भैरव जी के नाम से मद्य पी लेना और काली जी के नाम से बकरा मार के खा जाना, ना भैरव जी शराब पीते हैं और ना काली जी मांस खाती हैं, ये मद्य मांस का व्यवहार करने वाले लोग भैरव जी के नाम से काली जी के नाम से उस प्रकार के पदार्थ की परिकल्पना करते हैं और तमह प्रधान उनकी उपासना होती है और उस उपासना का फल भी उनको मिलता है। तमह प्रधान उपासना का फल भी उनको मिलता है, लेकिन क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि देवता खाते हैं तब तो देवताओं में और हमारे शरीर में अंतर क्या रहेगा? खाएंगे तो मलमूत्र भी होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए आचार्य जी, इसलिए वैष्णव लोग जो एकादशी करते हैं तो जब हम अन्न नहीं पा रहे हैं और बिना भगवत प्रसाद के हमको कोई चीज़ ग्रहण करना नहीं है, तो जब हम फलाहार कर रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी फलाहार करेंगे, हैं? इसलिए ठाकुर जी को भी फलाहार का भोग लगाना और इसके बाद अधरामृत प्रसाद लेना। हमारे यहाँ एक संत हैं परमहंस जी महाराज, डॉक्टर शुक्ला जी जानते हैं बढ़िया से। उनसे कोई कहे कि परमन जी आहार करोगे कि फलाहार? क्या आहार करोगे कि फलाहार? वो कहते ना हम आहार करेंगे ना फलाहार, हम भगवत प्रसाद पाएंगे। क्या कहते हैं? ना हम आहार करते हैं ना हम फलाहार करते हैं, हम भगवत प्रसाद पाते हैं। अब फलाहार का जो भोग आप लगाएंगे वो भगवत प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ? भगवत प्रसाद ग्रहण कर। इसलिए एक पद्धति ये है कि जब हम व्रत हैं तो हमारे ठाकुर जी को, हाँ ठाकुर जी बालक हैं उनको 4-6 बार भोग लगा दो उनके लिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी जब देखे घर में सब व्रत हैं तो छोटे बच्चे भी हट पड़ जाते हैं कि हम भी व्रत करेंगे उपवास करेंगे। तो वात्सल्यमयी माँ उनको व्रत के नाम से भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के दिन में 2-4 बार खिला देती है। कोई बात नहीं, उपवास है, फलाहार है। ऐसे आपको अपने घर के लाला में अनुराग है तो एकादशी को विशिष्ट रूप से उनको भोग धरा दो, बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के पवाओ। दूसरी एक पद्धति यह भी है, कुछ प्राचीन स्थानों में ये परंपरा है, वो ये परंपरा ये है कि एकादशी को दिन में तो एक बार ठाकुर जी को फलाहार का भोग धरा दिया और शाम को दूध उनको भोग ब्यारू भोग में दूध आ गया ठाकुर जी को, और एकादशी को ब्यारू भोग में हलवा बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी की पूड़ी और साग, खीर वगैरह बना लो, खीर वगैरह कोई ऐसी चीज, प्रायः हलवा पूड़ी साग ये भोग लगाते हैं एकादशी को ब्यारू में। क्यों लगाते हैं? बोले एक शास्त्र की विधि यह भी है कि जहाँ मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भई हो वहाँ प्रतिदिन अन्न का भोग जरूर लगना चाहिए। हमारी एकादशी है, ठाकुर जी की थोड़ी है, तो रात्रि को ब्यारू में भोग धरा गया तो 24 घंटा तो बीत नहीं पाया। एक समय ठाकुर जी ने, और उस ब्यारू भोग को
फिर विराजमान कर दिया जाता है सुरक्षित। और सवेरे ठाकुर जी की जैसे ही उत्थापन हुआ मंगला भाई, और उसके बाद सबको जो श्रृंगार आरती होती है ना 7-7:30 बजे, उसी से सबको चरणामृत और वो रात का ब्यारू वाला थोड़ा थोड़ा प्रसाद। तो प्रसाद लेने से एकादशी का पारण सबका हो गया, रात्रि का ब्यारू सब में बट गई और अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ा। फिर राजभोग के समय राजभोग, तो ठीक समय से पारण हो जाता है व्रत का। एक ही पद्धति, तो मूल बात हमें यह कहनी है कि हम जिस प्रकार का आहार करते हैं उसी प्रकार का आहार देवता को निवेदित करने लग जाते हैं। अब ये बात अवश्य है कि देवता को निवेदित करने में शास्त्र मर्यादा का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, देवता को अर्पित करने के योग्य हो, वही पदार्थ हम अर्पित करें, मनमाने तरीके से अर्पित न करें। ये बात श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।